यूक्रेन के टारगेट पर है क्रीमिया, जिसे हासिल करने के लिए ज़ेलेंस्की बेचैन है। ऐसे में क्रीमिया वाले वॉर फ्रंट को मजबूत करने के लिए पुतिन ने आत्मघाती ब्रिगेड को एक्टिव कर दिया है, जो बिना किसी को भनक लगे बड़े से बड़े युद्धपोतों को तबाह कर सकती है, किलर सबमरीन्स का काल बन सकती है। और इतना ही नहीं, दुश्मन के नेवल बेस से लेकर तमाम कॉम्बैट ऑपरेशंस की खुफिया जानकारी जुटा सकती है। आखिर कौन है शिकारी, देखिए इस रिपोर्ट में। अब तक समंदर वाले वॉर जोन में रूस के जंगी बेड़े यूक्रेन पर प्रहार कर रहे थे। अब तक काला सागर में रूसी नौसेना के सबमरीन और डिस्ट्रॉयर बारूदी कोहराम मचा रहे थे। अब तक पुतिन नेवी सील कमांडो और मरीन कमांडोज के जरिए ब्लू वॉर जोन में कॉम्बैट ऑपरेशन को अंजाम दे रहे थे, मगर अब प्रेसिडेंट पुतिन ने अपनी मरीन मैमल्स ब्रिगेड को ब्लैक सी में उतार दिया है, ताकि दुश्मन को भनक भी ना लगे और उसका काम तमाम हो जाए। जी हाँ, इस बार रूस ने काला सागर में अपनी ब्लैक सी फ्लीट के साथ साथ एक ऐसी आत्मघाती ब्रिगेड तैनात की है, जो बड़े से बड़े वॉरशिप, जंगी बेड़े, सबमरीन को तबाह कर सकती है, बेहद ही सीक्रेट तरीके से समंदर में किसी भी मिशन को अंजाम दे सकती है। और जानते हैं पुतिन की इस मरीन मैमल्स का शिकारी कौन है? बोतल नोज डॉल्फिन। ब्रिटिश मिलिट्री इंटेलिजेंस ने समंदर में कैप्चर की गई तस्वीरों के जरिए यह खुलासा किया है कि रशियन नेवी ने ब्लैक सी फ्लीट की ट्रेन्ड डॉल्फिन समंदर में उतारी है। ट्रेन्ड डॉल्फिन की तैनाती ब्लैक सी पोर्ट पर की गई है। डॉल्फिन क्रीमिया के सेवस्तोपोल पोर्ट तक निगरानी कर रही है। काला सागर में मौजूद रूस के समुद्री इलाके से लेकर क्रीमिया तक पुतिन की पेमस ब्रिगेड यानी बोतल नोज डॉल्फिन ने मोर्चा संभाल रखा है। दुश्मन मुल्कों के जंगी बेड़ों, सबमरीन और सैन्य मूवमेंट पर नजर रखी जा रही है।